सर्वप्रथम आज मैं आप लोगों को पीछे पढ़ाए गए तथ्यों के आधार पर क्वेश्चन देते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक, ये जो पेज है ये वाला सामने जो येलो कलर से, ये इस क्वेश्चन को ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन नहीं है, ये वास्तव में कंपैरिजन है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमको आप भेजेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए स्टडी अबाउट न्यूक्लियस एंड प्रोवाइडिंग होमवर्क, वी स्टार्ट्स आवर स्टडी अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है, पहले वाले वीडियो वगैरह में हमने आपको भेजा था कि सेल को मूलतः 3 भाग में बांटा जाता है। एक कोई भी सेल है वो 3 पार्ट में विभक्त होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। हमने आपको न्यूक्लियस के विषय में बताया है पिछले लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स जो आपको भेजे थे उसमें हमने भेजा था, उसमें न्यूक्लियस के विषय में जो आपके अंडर कंसिडरेशन है 9 क्लास के अंदर जो आता है उस पर एक्टिविटी वगैरह भी हमने आपको डील करके दिया था। वहाँ तक के विषय वस्तु यानी कोर्स ऑफ स्टडी जो हमने पढ़ा उस पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं पीछे एनसीईआरटी बुक में, जो आपके बुक में भी होगा, उसको सॉल्व कर लेना है। साथ साथ आज जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पर दिया उसको भी सॉल्व करना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस को समझते हुए अपने मन से, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपके अंदर समझ होनी चाहिए, उसके मुताबिक आप सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व होता है तब हमसे आप बात कर सकते हैं, और हमारा धर्म है कि हम आपको बताएंगे। अब सेल को जब 3 भाग में हमने पहले बांटने की बात की थी, 3 पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन फॉर्मर लेक्चर्स वी कंप्लीट द स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, नाउ वी थिंक और लर्न अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म पर पढ़ेंगे हम लोग, साइटोप्लाज्म में ही ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स कंटेंट्स इन साइटोप्लाज्म्स, जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि सेल ऑर्गेनेल पर अब पढ़ने जा रहे हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये उपस्थित होता है। अब इसको हम पढ़ते हुए आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एवरी सेल्स हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्रत्येक सेल में एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो उसको, एक सेल को दूसरे सेल से अलग या उसके एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट आइडेंटिटी प्रदान करता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल, अगला कह रहा है, लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट दियर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बड़ा सेल और जटिल कोशिकाएं, बड़ी कोशिकाएं और जटिल कोशिकाएं, इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के विषय में आप जानते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी हैज़ ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एज लाइक ह्यूमन बॉडी, काउज बॉडीज, बफेलोज बॉडीज, बॉडीज ऑफ एलिफेंट्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज दियर बॉडी हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्स।
ना। अब यहाँ देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट दियर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसा कि आपको पता है कि लाइफ को बरकरार रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ सेल हैज टू बी सर्वाइव एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दे नीड्स कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस, अदरवाइज सेल गेट डेथ। टू कीप दीज एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल यूज मेम्ब्रेन बॉन्डेड लिटिल स्ट्रक्चर्स विद इन देम सेल्स। जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया है, इफ़ अ लिविंग बींग या लिविंग थिंग हैज़ टू बी सर्वाइव, देन रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, ग्रोथ उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये देखो न्यूट्रिशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और एक्सक्रीशन होना चाहिए, यानी शरीर को प्रॉपर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए जो न्यूट्रिशन के अंदर आता है, और फूड जो आप डाइजेस्ट करते हैं, जो यूजेबल फूड हमारी सेल्स में पहुँचती हैं, उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन से एनर्जी प्राप्त करने के लिए रेस्पिरेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ऑक्सीजन रेस्पिरेशन द्वारा ही प्रत्येक सेल को सप्लाई होता है। अच्छा, एनर्जी मिली, उसके बाद आगे बढ़ो। अब चूंकि शरीर के प्रत्येक हिस्से में प्रत्येक रिक्वायर्ड मटेरियल का ना तो एब्जॉर्प्शन होता है और ना ही सिंथेसिस होता है, ना ही निर्माण होता है, सो दीज मटेरियल हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू दी ऑर्गेन वेयर दे आर रिक्वायर्ड। अतः किसी पर्टिकुलर ऑर्गेन में बने हुए मटेरियल को या एब्जॉर्ब मटेरियल को उस ऑर्गेन तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है जहां पर उसका उपयोग होना होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है। अब इन प्रक्रियाओं के दौरान बहुत सारे मेटाबॉलिक वास्ट्स बनते हैं, नाइट्रोजिनस वास्ट बनते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। इफ दीज सब्सटेंसेज गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, देन लिविंग ऑर्गेनिज्म सफर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड अल्टीमेटली दे गेट डेथ। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान बनते हैं हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाएं, तो सेल्स मरेंगे, टिश्यूज मरेंगे, ऑर्गेन्स मरेंगे एंड ऑर्गेन सिस्टम डैमेज होगा, अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आपको बात कह रहा है, तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लांट सेल में चूँकि वह एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता तो इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, सो प्लांट सेल हैज़ क्लोरोफिल दैट मेड देम एबल टू प्रिपेयर दियर ओन फूड, यानी वहाँ पर भोजन बनाने की क्षमता उसमें आ गई, है ना। इस तरीके से सारे सेल ऑर्गेनेल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप हमारे सेल के अंदर गॉल्जी ऑपरेटस है, गॉल्जी ऑपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब मिलकर न्यूक्लियस में बना हुआ मटेरियल को या साइटोप्लाज्म में बने हुए मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियर पोर के माध्यम से, न्यूक्लियर पोर जैसा कि न्यूक्लियस में हमने आपको बताया है, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो मेटाबॉलिक वास्ट आते हैं, बनते हैं, वे एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के द्वारा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, है ना। अब देखो अगला, विद इन देमसेल्व्स, दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये जो फीचर हम बता रहे हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल की उपस्थिति यूकैरियोटिक सेल का लक्षण है, प्रमुख लक्षण है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी ऑपरेटस एक्सेट्रा दैट डिस्टिंग्विश देम। अब देखो यूकैरियोटिक सेल का ये फीचर है दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। इसी आधार पर प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करते हैं या यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से अलग करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विद इन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसा कि हमने पहले से बताते आया है या पीछे से आप पढ़ते आए होंगे कि एज द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप अकर्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टडी अबाउट सेल एनहेंसेज ग्रेजुअली। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का तकनीक बढ़ता गया, हाई क्वालिटी के माइक्रोस्कोप बनाए जाने लगे, वैसे वैसे हमारी बायोलॉजी में खासकर साइटोलॉजी का ज्ञान बढ़ता गया। जैसे शुरू में सिंपल माइक्रोस्कोप से सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से हनीकॉम्ब के रूप में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 में चेंबर लाइक स्ट्रक्चर देखा जिसको सेल कहा। फिर लीवेनहॉक ने बैक्टीरियल सेल को देखा सेल्फ मेड सिंपल माइक्रोस्कोप से। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से सेल के अंदर के ऑर्गेनेल को स्टेन करके, जैसे कि न्यूक्लियस वाले एक्टिविटी में हमने कहा था कि आयोडीन सैफरीन या मिथाइल ब्लू से जब सेल को स्टेन किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स आते हैं, उसमें से एक डार्केन स्पॉट जो आया था उसको न्यूक्लियस कहे थे, और जो ऑर्गेनेल हैं वो भी डिफरेंट कलर से कलर्ड हो जाते हैं, उसे पहचाना, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चीज़ दिखाई देगा। लेकिन सेल ऑर्गेनेल के अंदर की स्ट्रक्चर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स सिस्टरनी क्रिस्टी, ये सब सिस्टरनी नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टी होता है, ये सब उसके अंदर डीएनए भी होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ों को, यानी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल या बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर हैं उसको उसका स्टडी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। आज हम सेल के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा रोल है, है ना। सेल ऑर्गेनेल को अगर देखना है तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। अगला पैराग्राफ है वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हम लोग प्रीवियस सेक्शन में, पहले वाले सेक्शन में न्यूक्लियस पर पढ़ा है। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इम्पॉर्टेंट कौन कौन हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ेंगे, गॉल्जी ऑपरेटस को पढ़ेंगे, लाइसोजोम्स को पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे, एनप्लास्टिड्स को पढ़ेंगे। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन। देखो ये जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, है ना। अब अपनी स्टडी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ले आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके स्क्रीन पर है। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल में से जो हमको पढ़ना है, जैसे कि अभी हमने मेंशन किया पिछले लेक्चर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, शॉर्ट में इसको शॉर्टली हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER कहते हैं, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्स एंड सीट्स। इट लुक्स लाइक ए लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग। देखो इसको हम अगर शॉर्टकट में हम डिफाइन करना चाहें, अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्स दैट मेक्स अ मेस वर्क और नेटवर्क इन अ सेल विद इन अ सेल एंड प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड प्रोवाइड स्केल्टन टू द सेल इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन इतना बड़ा बहुत ज़्यादा हमने बोल दिया, इसमें फंक्शन को भी हमने जोड़ दिया है। ये डिफिनेशन याद करने पर आपको फंक्शन भी इसका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसको डिफाइन कीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूब्यूल्स
एंड सीट दैट मेक्स अ नेटवर्क विदिन अ सेल दैट विदिन अ सेल इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लोकेशन देखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ होता है, यह सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्वर्क बनाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जाल बन जाता है ना। मान लो कि ये ऐसे इस प्रकार से, यहाँ देखो ये मान लो कि सेल है, ये सेल यहाँ पर, ये देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये हमने बना दिया, ये न्यूक्लियस बीच में जो हम बना रहे हैं, यहाँ से मेसवर्क जैसा पूरा जाल जैसा ऐसे निकलता है, इसमें जाल जैसा ऐसे सब के सब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ऐसे जाल बना लेता है। इसी में जो ये जो साइटोप्लाज्म का भाग है, साइटोप्लाज्म है ये सब, साइटोप्लाज्म डॉटेड स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म, ये फ्लूइडी स्ट्रक्चर इसमें होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये सब उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर ये मेसवर्क जो है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, वैसा वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर राइबोजोम्स उपस्थित होते हैं, जो रुखड़ा हो जाता है राइबोजोम की उपस्थिति के कारण, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और चूंकि राइबोजोम प्रोटीन सिंथेसिस में रोल अदा करता है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन हम देखें तो कहेंगे इट प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसको डिफाइन हम ऐसे करेंगे, अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुज सरफेस कंटेन्स राइबोजोम्स, है ना, दैट प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सेकेंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज राइबोजोम स्मूथ। राइबोजोम स्मूथ को ऐसे डिफाइन करें, अ टाइप ऑफ राइबोजोम हुज सरफेस हैज़ नॉट राइबोजोम्स दैट प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, यानी फैट्स, यानी तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके साथ साथ ये सब इसके टाइप पर हमने बात किया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा इस पर, देखो आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब हमने बताया अंडर रफ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल कॉल्ड राइबोजोम, उस पर हमने चर्चा किया। इसके फंक्शन पर आप देखें, जैसा कि स्मूथ और ये रफ दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, तो रफ का हमने फंक्शन बताया कि यह प्रोटीन निर्माण करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनता है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स। अब लिपिड बनाने में, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन इज मेडअप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा प्रोटीन और लिपिड बनता है, तो कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन और लिपिड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है, उसका उपयोग सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में, सेल मेम्ब्रेन के बनाने में उपयोग किया जाता है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये वर्ड आप याद रखेंगे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं हम। ये देखो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ऊपर है। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज, या मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को ऐसे ब्रॉडली डिफाइन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
और चूँकि प्रोटीन और लिपिड कहाँ बनता है भाई, पहले हमने बताया आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनता है। सम अदर प्रोटीन्स, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन, लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो बनता है आपको प्रोटीन और लिपिड, उसका कुछ हिस्सा सम अदर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फंक्शन एज द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन्स। ऑल्दो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैरीज ग्रेटली इन नेटवर्क सिस्टम, ये नेटवर्क सिस्टम बना लेता है, नहीं ग्रेटली इन अपीयरेंस और अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। दिस इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आप ये देखिए माइक्रोस्कोप में पूरा के पूरा दिखा रहा है आपको स्ट्रक्चर। दस वन फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन और रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस, प्रोवाइडिंग अ सरफेस। सरफेस फॉर सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल इन द लिवर सेल सेल्स द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। देखो अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, सेकंड प्रिपरेशन ऑफ लिपिड्स, तीसरा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, चौथा कुछ प्रोटीन और प्रोटीन जो हैं वो भाग लेते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। फिर आगे इसमें देखते हैं, अभी हमने देखा यहाँ पर लिपिड जो इसका बनता है वह लीवर सेल्स में डिटॉक्सिफाइंग मटेरियल के रूप में जो हार्मफुल ड्रग्स लीवर पर अटैक करते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने यानी टॉक्सिक सब्सटेंस जो वहाँ बनते हैं शरीर के अंदर जो लीवर में एक्युमुलेट होता है, तो ये जो लिपिड्स हैं लीवर में उनको डिटॉक्सिफाई करता है। दीज आर दी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स एंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी यह ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है।